नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उसका पीटीएस करना है। इसका तो पंख कटा हुआ है, शायद मांझे वगैरह से इसका पंख कट गया। हाँ बच्चा, हाँ हाँ जी। चलिए लेके अंदर चलते हैं इसको, इसकी ड्रेसिंग करना पड़ेगा। अरे राजेंद्र जी इधर आइए, पकड़िए इसको, इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ये लो पकड़ो। कल आपकी छुट्टी आओगे? कल छुट्टी आपकी? आऊंगा। आओगे आप? अरे बच्चा अटैक कर रहा है, पकड़ लो आप। ये राजेंद्र जी आप वहीं पे रखाना, ठीक है अभी जाके, और इसको देखना, ऑब्जर्व करना कि ये क्या करता है क्या नहीं करता, देखना ड्रेसिंग वगैरह ना हटाए अपनी। ओके मेरा नाम डॉक्टर हरअवतार सिंह है, मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल में हम विभिन्न प्रकार के पंछियों का इलाज करते हैं, जिसमें कि जैसे तोता, चील, कौवे, कबूतर, गिद्ध, इन सब का इलाज करते हैं। जैसे ही कोई भी व्यक्ति हमारे पास कोई भी पंछी को लेके आता है, तो सबसे पहले हम उसका क्या दिक्कत है, किस बीमारी से उसको क्या प्रॉब्लम है, जैसे कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हम सबसे पहले डायग्नोस करते हैं कि इस पंछी को ये बीमारी है। उसके तुरंत बाद हम उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। उस तरीके का ट्रीटमेंट देने के बाद हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के केजेस बना रखे हैं, जिसमें नॉर्मल है कि हमारा एक ओपीडी का है, ओपीडी का सेक्शन है, जिसमें हम आने वाले पंछियों को सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे आईसीयू है, जिसमें जो पंछी हैं जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं उनमें शिफ्ट करते हैं। कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिनमें पॉक्स वायरस है, जैसे जो एक पंछी से दूसरे को स्प्रेड होता है, और कुछ समय पहले जैसे अभी कौवों में वायरस आया था दिल्ली में, तो उनके लिए भी हमारे पास अलग केज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, उनको हम अलग सेपरेटली रखते हैं।
कहाँ से लेके आए हो आप मोर? ये सर में शांति वन से लाया, ये शांति वन में घूरा पड़ा था। अच्छा अच्छा जी, किसी ने घायल किया कि आपको मिल गया था ये? ना वैसे मिल गया था। ये आपने इसे वार्ड में रखना है? हाँ, उसी वार्ड में रख के आओ आप। ठीक है, ले जाओ ऐसे धीरे धीरे आराम से ले जाओ, वार्ड में ले जाओ। मैं डॉक्टर रामेश्वर यादव, मैं यहाँ से 1993 से वर्किंग कर रहा हूँ और यह हॉस्पिटल 1929 से स्टार्ट है। ये एक जैन साहब थे, लाला रतन लाल जैन, जो हमारे यहाँ चक्रेश जो प्रेसिडेंट साहब हैं चक्रेश जैन जी, उनके पिताजी थे लाला रतन लाल जैन जी। उन्होंने ही हॉस्पिटल खुलवाया और 1929 में एक कबूतर उनके पास आया था, वो दरियागंज में रहते थे। एक कबूतर आया पंखे से घायल, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा भाई ये इधर उधर भागे कि इसकी जान बचानी है, तो हॉस्पिटल कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल को बनवाऊँगा, फिर उनके द्वारा ये अस्पताल अभी तक चल रहा है। मेरे मामा कबूतर पालते थे, तो मैं बचपन में छत पर जाके बैठ जाता था, कबूतरों को देखता रहता था, दाना पानी खिलाता था। जो दिन से नहीं खाया जाता इसलिए मैं अपने हाथ से दाना खिलाता था उनको, इसलिए मैं बड़े हॉस्पिटल में काम करने लगा, क्योंकि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखना डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, निजाना नहीं खाया। इसको तो पैरालाइज हो गया है। लकवे में हो गया ये लकवे। हाँ, इसको टाइम टाइम से दाना खिलाना है इसको और दवाई पिलानी है इसको। इसका इलाज यहाँ 1-1.5 महीने तक चलेगा। 1-1.5 महीने इलाज करने के बाद इसको ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग इसको आज़ाद कर देंगे। ठीक है। उन्नीस सौ 1993 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब इतनी बीमारियां नहीं थी, प्रदूषण बहुत ही कम था उस टाइम और पक्षी भी थे इतने नहीं थे और एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता था, बीमारियां बहुत कम थी उस टाइम। पक्षियों को भी मालूम है कि ये अस्पताल है, हमें डॉक्टर आएगा फिर नीचे ले जाएगा, फिर जो हमें 2-3 मिलते हैं उसको पकड़ के हम लोग नीचे लेके आते हैं, फिर हम लोग इलाज करते हैं उसका, जब वो ठीक हो जाता है 10-15 दिन में फिर हम छोड़ देते हैं। जब बीमार कबूतर आते हैं तो उनकी आँखों से आंसू आता है, उनको दर्द होता है, उनको काफ़ी पीड़ा होती है। हम लोग फिर जो दाना वाना खिलाने के बाद, पानी उनी पिलाने के बाद उसको दवाई देते हैं, तो 5-7 दिन में वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हम फिर दोबारा उसके पास दवाई देने जाते हैं, तो फिर उसको पकड़ के दवाई देना है। तो जो कबूतर जब ग्रुप में कबूतर होता है, हम जब कबूतरों के पास जाते हैं, जिसको जो अपने आप खाना नहीं खा सकता वो हमारे पैरों पर चोंच मारता है कि भाई मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिलाओ। और अगर कोई बाहर का आदमी जाएगा तो कबूतर भागेगा, लेकिन जब हम लोग जाएंगे तो वो भी हमें पहचानते हैं कि हमारा ये सेवक आ गया है, मैं दवाई ववाई मिलेगी हम ठीक होंगे।
कबूतरों में भी खुशी होती है, तो उसको लेते हैं, फिर हम दवाई वाई उसको देते हैं, दवाई देने के बाद जब ठीक हो जाता है तो उसको आज़ाद जब छोड़ते हैं उसमें खुशी अलग होती है। कहाँ आया था, उसके आंखों में आंसू था और ठीक हो गया, वो अलग खुशी होती है। कबूतर भी खुशी से उड़ता है और हम लोग जो, हमें भी खुशी काफ़ी मिलती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे पंछी हमें मिलते हैं रोड साइड पे, या तो वो बीमार होते हैं, बट उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा पंछी हम, आपने ऐसे देखे होंगे कि जो उड़ नहीं पाते, या तो उनका पर कट जाता है। तो पर कटने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हवा में पतंगबाजी करते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पतंग उड़ती हैं, वो उड़ती हैं 15 अगस्त पे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कबूतर की पॉपुलेशन है, और जब वो उड़ते हैं तो उनके पंख कट जाते हैं। कबूतरों के साथ साथ जो पंछी हैं, जैसे चील हो गए, कौवे हो गए, इनको भी बहुत ज़्यादा ही हानि पहुँचती है। सो 15 अगस्त के आसपास लगभग हमारे पास एक दिन में ऑन एन एवरेज हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 60, 70, 80, इवन 90 तक भी बर्ड्स पहुँच जाते हैं। ये बर्ड जो है आप देख रहे हो, ये भी काइट स्ट्रिंग की वजह से इसका पूरा का पूरा विंग कट चुका है। ये देखिए ऐसे, यहाँ इवन इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बस बोन बोन बची है। ये क्या होता है, जब कोई ये मांझे में अटक जाते हैं, ऐसे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, मांझा उड़ पतंग उड़ रही होती है, ऐसे आके इसमें अटक जाते हैं, इनका विंग ऐसे होता है उस वक्त। तो ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये जितना ज़्यादा अपने ये हाथ को चलाते हैं, वो जो मांझा होता है, जो थ्रेड होता है, वो उनको उतना ही काटता रहता है, जिसकी वजह से ये इसका पूरा ये विंग है डैमेज हो गया है, बस इसका खाली बोन बोन बचा है। अभी हम इसको अभी नॉर्मल ड्रेसिंग करेंगे। देखिए आप यहाँ पे नीचे वाइट वाइट कलर की आपको बोन नज़र आ रही होगी, ये अभी हम इसको पूरा नॉर्मल अभी ड्रेसिंग करेंगे थोड़ा, फिर कुछ देर बाद इसको मेडिसिन दे के इस पर स्टिचेस अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको मेडिसिन पिला देते हैं कि जिससे इसका थोड़ा पेन रिड्यूस हो जाए। थोड़ी देर में इसके हम स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक एक ड्रॉप दे दिया, फिर एक ड्रॉप और दे दिया, फिर एक ड्रॉप और दे दिया। अपनी पी रहा ना, अब इसको पता लग गया ये कड़वी है। कितने ड्रॉप देने? हर एक के 5-5 ड्रॉप देने हैं, ठीक है। जब भी कोई बर्ड मेरे पास यूथनेशिया या पुट टू स्लीप के लिए आता है,
मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको एक बार फिर से जीवन दान दे सकूं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार चाचा। डॉक्टर साहब, उसका पीटीएस करना है। फादर मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते थे कि आपने जीवन में ऐसा कुछ बनिए, ऐसे इंसान बनिए कि आप हेल्प कर पाओ। मोस्टली पर्सन सोचते थे कि हाँ भी हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए जो हेल्प कर पाए, बट मेरे फादर का ये रहा था कि आप ऐसा उन जानवरों का डॉक्टर बनो जो बोल नहीं पाते, आप ऐसी चीज़ों की मदद करो जो अपने आप से बता नहीं पाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आपको एक बारी देख लें फिर हम आपको उड़ाने जाएंगे आज, ओके? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार राजेंद्र जी। कबूतर का पीटीएस करना है।